बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, मौसम बहुत सर्द है, तो उसी के मुनासिबत से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वेरी टेस्टी कॉफ़ी। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। हम लेंगे 1 चम्मच किसी अच्छे ब्रांड की कॉफ़ी, उसके बाद हमने 1 चम्मच चीनी, इसे आप ग्राइंड भी कर सकते हैं। फिर हमने 1/2 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर लेंगे, नीम गर्म पानी। मिक्सिंग के लिए एक बाउल लेंगे, आप फोक भी यूज़ कर सकते हैं बीट करने के लिए। अगर आपने अच्छे से बीट करना चाह रहे हैं तो आप फोक भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इसे बीटर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैं आज यूज़ करने जा रही हूँ बीटर। और आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाउल में आपने चीनी ऐड करनी है, इसके बाद आप इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बताई थी, किसी अच्छे ब्रांड की आप कॉफ़ी यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी ऐड करेंगे, और अब इसे हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं इसका कलर अभी स्टार्ट में डार्क ब्राउन ही होगा, ये देखिए। फिर आप जैसे जैसे इसे बीट करते जाएंगे, इसका कलर जो है वो लाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइएगा और फिर इसे अच्छे से बीट करते रहेंगे। आपने इसे 4 to 5 मिनट्स तक बीट करना है, और इसका कलर ऐसा ऐसा लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएगा और इसका टेक्सचर थोड़ा क्रीमी हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर क्रीमी होना स्टार्ट हो गया है और कलर भी इसका बहुत लाइट हो गया है। आप मज़ीद इसे बीट करेंगे तो ये मज़ीद जो है फ्लफ़ी और इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसका बन चुका है। अब हम इसके 2 स्पून्स कप में ऐड करेंगे। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है ये। अब हमने कप में 2 चम्मच ऐड कर दिए हैं, और गरम दूध हम इसे अब ऊपर से दूर से थोड़ा ऐड करेंगे इस तरह से। बॉइल्ड मिल्क आपने ऐसे ऐड करना है, और उसके बाद आप इसे मिक्स कर लेंगे और आपकी गर्मा गर्म टेस्टी कॉफ़ी रेडी है। अब गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर हमने थोड़ा सा कोको पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है। अब आपकी कॉफ़ी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इतने सर्द मौसम में कॉफ़ी से ज़्यादा अच्छी चीज़ और कोई नहीं है, तो आप इस गर्मा गर्म कॉफ़ी को घर में ज़रूर ट्राई करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।